हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके देखिए कितनी अच्छा आइटम है। ये कितना सुंदर है, स्पीड ट्रेन आपने तो देखा ही होगा भैया। आप तो ट्रेन में ज़रूर बैठे होंगे, मैं भी बैठी हूँ। मुझे तो ट्रेन से ही जाना आना पसंद है, मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो बाय ट्रेन ही जाती हूँ। ये देखिए, ये है EMC, ये ट्रेन फ्लैश इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है और काफ़ी स्पीड से चलती है और इसमें लाइटिंग है, सारी सुविधाएँ फैसिलिटी होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मेट्रो ट्रेन जैसे चलाई गई है दिल्ली में, आपने देखा होगा, उसी तरीके से ये ट्रेन है जो कि आप टॉयस के रूप में परचेस कर सकते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी भाई। ये 3 से 3+ बच्चों के लिए है और 3 से 3 साल से ऊपर की किसी भी बच्चे को खेलने के लिए ये बनाई गई है और सभी बच्चे वैसे तो खेल सकते हैं और 3 साल से ऊपर के बच्चे सभी चला सकते हैं। लेकिन मैं इसको खोल कर बताती हूँ कि ये किस टाइप की ट्रेन है। देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है, इसके अंदर से देखिए काफ़ी मजबूत ट्रेन नज़र आ रही है और ये देखिए वाइट कलर की सारी ट्रेन है और इसमें ये ऊपर लिखा हुआ है EMU 138 हाई स्पीड ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है और CT EMU 138 नंबर के नाम से ये ट्रेन है। और आपने जैसा कि देखा ही होगा ट्रेन किस तरीके से होती है, ये मेट्रो ट्रेन है भाई। और देखिए इसमें पीछे गेट भी दिया है, वाह, इसमें बाहर पीछे से आ जा सकते हैं। चलो ये देखिए सारा कैसे अलग अलग पहिए दिए हुए हैं, ये एक स्विच दिया हुआ है, रोटेट करने वाले पहिए हैं, इनसे ये घूमती है। मैंने इसको ढक्कन को निकाल दिया है और यहाँ पर देखिए ये सेल कहाँ पर डलते हैं, यहाँ पर ये इस प्लेट के नीचे 3 सेल डलेंगे जो कि हमेशा ही हर टॉयज में 3 सेल डलते हैं तो वैसे ही इसमें भी डलेंगे। देखिए मैंने इसको बंद कर दिया, अब आपको मैं ये चला के बताऊँगी कि किस प्रकार से ये चलती है। इसमें काफ़ी सुंदर लाइटिंग है भाई बच्चों, मुझे तो बहुत ही पसंद है, मैं तो ट्रेन से ही जाना आना पसंद करती हूँ। अगर आपको ये ट्रेन पसंद आए तो इसको परचेज जरूर कीजिएगा। मैं इसको चला के बता रही हूँ, देखिए देखिए मैंने स्विच ऑन कर दिया, बच्चों मेरे पास तो एक केस कम है, यहाँ तक तो मेरी ट्रेन खाई के अंदर गिर जाएगी इसलिए तो मैं आपको नीचे चला कर बताऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।